तो इसराइल पिछले 15 दिनों के अंदर हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति को करीब 70% खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप मारी जा चुकी है, बावजूद इसके इसराइल के विध्वंसक हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त दक्षिणी लेबनन में बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना जमीन और हवा से हमले कर दक्षिणी लेबनन को खंडहर बना रही है। सवाल यही है कि आखिर दक्षिणी लेबनन में इतनी बड़ी तबाही क्यों हो रही है। इस सवाल का जवाब है नेतन्याहू का वो प्लान जिसका नाम है ऑपरेशन बफर वॉल। आसमान से विनाश की बरसात हो रही, जमीन से दुश्मन पर धावा बोला जा रहा है। शहर और इलाके अलग हो सकते हैं, लेकिन तबाही की तस्वीर कमोबेश एक सी। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक विनाश का भयावह मंजर। पिछले 15 दिनों के अंदर इसराइल ने हिजबुल्ला की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। हिजबुल्ला के हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट, ठिकाने और हेडक्वार्टर सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं। इसलिए अब इजरायली सेना का ऑपरेशन बफर जोन शुरू हो चुका है। लेबनान के अंदर इसराइल बफर जोन बनाने जा रहा है। यही वजह है कि दक्षिण लेबनान में न सिर्फ बमबारी हो रही है बल्कि भीषण जमीनी जंग भी छेड़ दी गई। दक्षिणी लेबनान का वही हश्र हो रहा है जो गाजा का हुआ। TV9 भारतवर्ष की टीम दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में है जहां IDF बारूद की बरसात कर रही। युद्ध के मैदान से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की घोषणा कर रही है कि हर बीतते दिन के साथ हिजबुल्ला का अंत करीब आता जा रहा है। इसराइल की इस एयर स्ट्राइक्स लगातार इन इलाकों में हो रही है। मैं इस समय जिस इलाके में हूँ, अगर आप देखें यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक्स की गई थी और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार किस तरीके का मंजर। आप देखिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर रहा होगा इन एयर स्ट्राइक्स का कि कई मीटर तक अंदर तक आप कह सकते हैं कि इसकी बर्बादी हुई है। ये अगर आप देखें, हमें बताया गया कि ये हिजबुल्ला के एक बड़े कमांड कंट्रोल सेंटर थे, बहुत बड़ा एरिया था इसका और जहाँ पर ये अटैक किए गए। और अगर आप पीछे मेरे देख रहे हो, आपको जनरेटर्स नजर आ जाएंगे, बड़े इलाके नजर आ जाएंगे और ये देखिए धुएं का गुब्बार, एक दो नहीं कई बिल्डिंग्स को एक साथ टारगेट किया गया। जिन भी इमारतों में हिजबुल्ला के ठिकाने हैं, जहां भी उसके हथियार गोदाम है, जहां भी उसके रॉकेट लॉन्च पैड है, इसराइल उसी जगह को टारगेट कर रही है। विध्वंसक हमलों में न सिर्फ इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, बल्कि हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड ठिकानों का भी खात्मा हो रहा है। यहाँ पर अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्टिव हैं। हालांकि देखिए, हमें बताया गया है कि अभी इस इलाके से आपको दूर रहना है, तस्वीरें किसी की ना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये जगह दिखाइएगा। और ये देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस पूरी एयर स्ट्राइक्स का कि आप देखिए इसकी स्मेल, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो गंद आपको अभी भी आएगी। और ये चारों तरफ देखिए बिल्डिंग किस तरीके से बर्बाद कर दी गई हैं। ये सिर्फ TV9 आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। इसराइल अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब होता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के इलाकों में IDF तेजी से कब्जा जमाती हुई जा रही। 1 अक्टूबर से इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक IDF दक्षिणी लेबनान के 8 इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है। ये सभी इलाके इसराइली सीमा से सटे हुए इलाके हैं। इसराइली सीमा से लगते लेबनान के इलाकों पर कब्जा करने के बाद इसराइल क्या करने वाला है, अब इसे समझिए। और इजरायली सेना पिछले 13 दिनों में दक्षिणी लेबनन के 8 इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। ये इलाके हैं क्रफ किला, होवला, मैस ए जबाल, एतरौन, यारौन, कतमून, यारीन और अल चायब। ये सारे इलाके अब इजरायल के कब्जे में। इजरायली सीमा से सटे लेबनन के 4 इलाकों में इस वक्त भीषण जंग भी चल रही है। ये इलाके हैं मारवाहिन, रामये, आयत अशाब और लबोने। इसराइल यहां जिस तरह से हमले कर रहा है उससे माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन 4 इलाकों पर भी इसराइल का कंट्रोल हो जाएगा।
इन पूरे इलाकों को कब्जा करने के बाद इसराइल अपना बफर प्लान लागू करेगा, मतलब कब्जा किए गए जमीनों पर इसराइल बफर जोन बनाएगा। यहां सेना, टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी। भविष्य में अगर लेबनन की तरफ से कोई हमला होता है तो इसी बफर जोन के जरिए उसको रोका जाएगा। दक्षिणी लेबनान में जंग लड़ रहे इजरायली सैनिकों का कहना है कि नेतन्याहू और गैलेंट ने सेना को दो लक्ष्य दिए, पहला हिजबुल्ला का संपूर्ण अंत करना और दूसरा दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाना। इसराइल जब तक ये दोनों लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक लेबनान में हमले नहीं रुकने वाले। नेतन्याहू के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसराइली सेना लेबनान के शहरों को खंडर बनाती जा रही। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर अगर आप देखें पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। कुछ रोज पहले तक अमेरिका इसराइल और हिजबुल्ला में सीज फायर की बात कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका अब सीज फायर की बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसराइल हिजबुल्ला के खात्मे के करीब पहुंच चुका है, लिहाजा अमेरिका ने इसराइल को रोकने के प्लान को फिलहाल टाल दिया। लाखों की हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। पूरे के पूरे शहर यहाँ पर खाली हो चुके हैं और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैफ़े हुआ करते थे, यहाँ के सबसे बेहतरीन कैफ़े यहाँ पर थे ये, लेकिन अब ये कैफ़े भी खाली हो चुके हैं। हिजबुल्ला चाहते हुए भी इसराइल से युद्ध नहीं लड़ पा रहा है, इसकी एक नहीं कई वजहें। हिजबुल्ला की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है, हिजबुल्ला को लीड करने वाला कोई नहीं बचा है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया है, हेडक्वार्टर, ठिकाने, हथियार गोदाम और रॉकेट लॉन्च साइट ध्वस्त हो चुकी है। ईरान से मदद नहीं मिल पा रही है क्योंकि इसराइल ने उसके हथियार सप्लाई रूट को भी तबाह कर दिया है। यही वजह है कि हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल में अब सिर्फ रॉकेट से घुरिल्ला हमले ही कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला की जो बची खुची सैन्य शक्ति है इसराइल आने वाले दिनों में उसका भी संहार कर देगा। इसके बाद दक्षिणी लेबनान में कब्जा की गई जमीनों में बफर जोन तैयार किए जाएंगे। ये वो बफर वॉल होगी जो भविष्य में लेबनान की तरफ से होने वाले किसी भी हमले से इसराइल की सुरक्षा करेगी। लेबनान वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी की रिपोर्ट।